हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है हेलो टून कबूतर चैनल पर। तो भाइयों, फाइनली आज दो दिन बाद कबूतर खुले हैं। कबूतर को दाना अंदर ही हो रहा था, ट्रे वगैरह ला के रख रही थी, तो उसी में मतलब दाना वगैरह खिला रहे थे। और एक चीज़ और भाई, कबूतर के जितने ही पर आए हैं वो अपने आप फड़क रहे हैं, देख रहे हो आप, ऊपर नीचे हो रहे हैं अपने आप ही कबूतर। तो आज थोड़ी इनकी एक्टिविटी कराते हैं, क्योंकि पतंग 15 अगस्त तो हो गया, पतंगे उड़ेनी नहीं है, तो थोड़ी एक्टिविटी करवाते हैं कबूतरों की, अपने ऊपर नीचे करते हैं भाई कबूतरों को। और छोटे छोटे पर हैं भाई कबूतरों के, तो मज़ा आएगा भाई ऊपर नीचे करने में। थोड़े कबूतरों को देखते हैं, आओ आओ आओ, थोड़े बहुत जा चुके हैं बाकी, अब इनको थोड़े बहुत जो बाकी ऊपर गए उन्हें ऊपर ही खान देते हैं, बाकी नीचे वालों को दाना डाल देते हैं भाई अपने कबूतरों को। चलो कट। तो ये जाल के अंदर आ गया था भाई कबूतर अपना, तो भाई कबूतर अपने बहुत अच्छे से फड़फड़ा रहे हैं, और पर अभी इतने नहीं है ना, ठीक ठाक है, ताकि ये नीचे अगर गिर गए तो ऊपर आ सकते हैं। इतना पर है इनका, मतलब एक राउंड भी भर सकते हैं कबूतर, अभी छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं पर कबूतरों के, और ठीक ठाक हैं, सही भी इतना होना चाहिए भाई कबूतरों में। और कबूतर भारी भी हैं, तो इसी वजह से कबूतर जो है भाई अपना थोड़ा अलकस्ता कर रहा ऊपर जाल में जाने, तो जाल के ऊपर जाने के लिए। आओ, तो इतना रहना चाहिए भाई, ठीक ठाक भी है। आओ, तो थोड़ी इनकी जाल लग रही है, अब बाजू भी खुल जाएगी, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहेंगे ना, तो इनकी जो एक्टिविटी अच्छी रहेगी, मतलब भारी है, तो धीरे धीरे करेंगे भाई इनको भी हल्का ही। आओ आओ आओ, जब तक भाई पतंगे अभी स्टार्ट तो हुई नहीं है उड़नी, जब तक कबूतर को ऊपर नीचे करते हैं, जब पतंग स्टार्ट हो जाएगी उड़नी तो इन्हें दाने खिला के जल्दी बंद कर देंगे। आओ आओ, जो हल्के फुल्के कबूतर है भाई वो सब ऊपर जा रहे हैं अपना, और जो भारी हैं वो जा नहीं पा रहे ऊपर अभी। आओ आओ, हाँ हाँ हाँ, तो इनकी अभी से ही हालत ख़राब हो गई, दो चार ऊपर नीचे करा, और चोच मतलब आप देख सकते हैं भारीपन कितना है अभी कबूतरों में। आओ, तो थोड़ा थोड़ा दाना डालूँगा ऊपर और बाकी नीचे। भाई सारे मुंडेर पे चढ़ चुके हैं कबूतर अपने, आओ, तो इनकी एक्टिविटी रहेगी तो भाई इनकी बाजू भी खुलेगी कबूतरों की, और इससे पता भी रहेगा कि भाई कौन सा कबूतर बाजू मार रहा है, क्योंकि हो जाता है ना भाई, बाजू भी लग जाती है कबूतरों की, तो मक्का वगैरह तो भाई देंगे नहीं। आओ 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 आओ, ओहो कबूतर के मान जा रही है भाई, ये पता नहीं कहाँ से आ गया अचानक। आओ 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 आओ, तो अपना एक कबूतर जो है थोड़ा सा उदास सा लग रहा है, पता नहीं क्यों,
बर्तन नहीं था नीचे, चढ़ के बैठ गया ऊपर। आओ 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 आओ, आ आ आ आ आ आ, तो भाई आ गया टंकी के ऊपर। आओ आ आ आ आ आ, आओ आओ आओ, आ आ आ आ, आओ भाई। अच्छा भी है, और भाई फड़कते रहेंगे तो बाजू खुल जाएगी कबूतर की अपने। आओ 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 आओ, इनका ऐसे ही ऊपर नीचे करने में थोड़ा दाना करवाता हूँ इनका, ताकि कबूतरों को आदत सी बन जाए ऊपर नीचे होने की रोज डेली। क्योंकि अभी तो भाई इन कबूतर को धूप भी लगानी है, 15-20 दिन तो इन्हें धूप भी लगानी है अच्छे से कबूतरों को। तो कबूतरों की बिल्कुल चोच एकदम पटनी लग गई है भाई, भारी हो रहे हैं ना। आओ दो दिन से भाई दाना मुझे लगता है ज्यादा डाल दिया है भैया ने, तो इस वजह से अभी ये भूख मान नहीं रहे हैं, ऊपर नीचे हो नहीं रहे इतना, नहीं तो ये सारे के सारे हो जाते वैसे। अगर दाना वैसे तो चल ही जाता रहा है भाई, तो आज थोड़ा रोक के देंगे दाना, फिर कल करते हैं इनको ऊपर नीचे। ओ जो भाई ऊपर जाएगा उस ऊपर खान देते हैं, बाकी नीचे खान देते हैं आगे कबूतरों को। आओ 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 आओ, oh
हूँ। तो भाई कबूतरों को भी फिलहाल ऐसे ही रखेंगे तो मज़ा भी आता भाई थोड़ा सा इनके साथ, तो कबूतरों के साथ एक्टिविटी करवाने में इनकी मज़ा सा आता, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता भाई। आओ 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 अभी तो ऊपर नीचे हो नहीं रहे हैं ढंग से भाई, आज इन्हें दाना बिल्कुल सही से दूंगा, इनका हल्का भी आज करना पड़ेगा लगता है। और भूख मान नहीं रहे हैं भाई कबूतर। आओ भाई आज के लिए इतना ही करेंगे।